वहीं कांग्रेस को समर्थन देने वाले मुस्लिम नेता तौकीर रजा की नफरती और देशद्रोह से भरी तकरीर जारी है। तौकीर रजा ने फिर कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर की असलियत दरअसल कुछ और ही थी। अगर सही से जांच की जाए तो पता चले कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी नहीं थे। मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल एलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। तो ठीक इसी प्रकार की बात आज मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी, दोनों की सोच एक समान है, आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना, यह दुखद है।